अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू मुंबई महक किचन। आज हम चिकन टिक्का बिरयानी बना रहे हैं। मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आई है बिरयानी। इंशाल्लाह आपके बच्चों को भी बना के खिलाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसी लगी है बिरयानी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन टिक्का बिरयानी बना रहे हैं। हमने 1 किलो चावल लिया है, बासमती चावल लिया है, और 1 किलो चिकन लिया है। 1 किलो चिकन का हम बना रहे हैं, मतलब जितना चिकन रहेगा उतना चावल रहेगा तो बहुत ही टेस्टी बनता है। हमने 1/2 किलो दही लिया है, 1 किलो चिकन लिया है, 1/2 किलो कांदे को इस तरीके से काट के बिरिस्ता करके लिया है, 5 टमाटर को हमने इस तरीके से काटा है, 2 टेबलस्पून हमने मिर्ची का पेस्ट लिया है, 4 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर लिया है, और हमने खड़े मसाले लिया है 2-4, हमने तेज पत्ता लिया है, 2 चक्री फूल लिया है, 1 जावित्री का टुकड़ा लिया है, और 2 इलायची और 2 बड़ी इलायची और 1 बड़ा दालचीनी लिया है, और हल्दी पाउडर लिया है 1 टीस्पून, और 2 टेबलस्पून हमने मिर्ची पाउडर लिया है, इसमें कलर जाएगा, और हमने गरम मसाला लिया है 1 टेबलस्पून, और ब्लैक पेपर पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, और हमने 1 मैगी क्यूब का पाउडर लिया है, और इसमें कोयले का दम जाएगा, और हमने 2 बड़े नींबू को इस तरीके से काट के लिया है और उसको रस निकाल दिया है। अब बनाने का तरीका बताते हैं। हमने 1 किलो चिकन लिया है, इसमें डाल दिया है, इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, 1 टीस्पून हमने इसमें मिर्ची का पेस्ट डाला है, नमक डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से नमक डालना इसके अंदर, 1/2 जीरा पाउडर हम इसमें डालेंगे, और मसाले में मसाला अलग से हम बनाने वाले हैं, उसमें मसाले में हम 1/2 जीरा पाउडर डाल देंगे। अब इसमें हमने इतना 1/2 टीस्पून डाला है, 1 टीस्पून हम मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं, कश्मीरी मिर्ची पाउडर है ये। अब धनिया पाउडर भी 1 टीस्पून डालेंगे हम। अब हमने इसके अंदर ये ब्लैक पेपर पाउडर है ये डाल देंगे इसके अंदर, ये भी 1 टीस्पून हमने लिया था, ये पूरा डाल देंगे इसके अंदर, क्योंकि मसाले में नहीं जाएगा, मसाले में गरम मसाला जाएगा, इसके लिए नहीं जाएगा उसके अंदर। अब हम 1 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे इसके अंदर, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब इसमें से 1/2 अब हम नींबू का रस इसमें डालेंगे, और 1/2 हम मसाले में डालेंगे, और थोड़ा सा बचाएंगे और चावल में डालेंगे, आपको दिखाएंगे। हमने 3 टीस्पून हमने दही डाला है इसके अंदर। अब इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। अब हम 1 टीस्पून इसके अंदर मैदे का आटा डालेंगे, और 2 टीस्पून हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। अब हमें इसको टिक्के का कलर देना है, इसके वजह से हम फूड कलर डाल देंगे थोड़ा सा बस। अब हाथ हमने अच्छे से धो लिया है, अब इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने अच्छे से मसाला लगा दिए, इसको ढककर हम 20 मिनट के लिए मैरिनेट के लिए 1 किलो ले लिया है। अब इसको हम 3 पानी में धोकर इसको भिगा कर लेंगे। ये चावल को हमने 3 पानी में धोया है, इसको हम 10 मिनट के लिए भिगा कर रखेंगे, फिर आपको दिखा। अब हमने चावल उबालने के लिए पानी डाल रख दिया है। अब इसके अंदर हम खड़े मसाला डालेंगे, तेज पत्ता डाल देंगे इसके अंदर, ये दालचीनी के टुकड़े है वो भी डाल देंगे, 1 बड़ा चक्री फूल है वो डाल देंगे, 4-5 इलायची डाल देंगे, 2 लौंग डाल देंगे, और 2 काली मिर्च डाल देंगे, और 1 बड़ी इलायची डालेंगे। इसमें इलायची हम ज्यादा डाल रहे हैं क्योंकि खुशबू अच्छी आएगी तो अच्छा लगेगा, टेस्ट में भी अच्छा लगेगा और खुशबू आएगी तो और। अब इसके अंदर और हमने लिया है ये जीरा लिया है, शाहजीरा ये डाल देंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे, इसमें हम नमक ज्यादा डाल, इसको ढककर हम जब तक उबाल नहीं आता तब तक रखेंगे ढककर। अब पानी को अच्छे से उबाल आ गया है, हम इसमें थोड़ा सा पुदीना और थोड़ी सी कोथमीर और 2 हरी मिर्ची डाल देंगे इसके अंदर। अब हमने 1 किलो चावल दिखाया था ये डाल देंगे इसके अंदर, इसको हमने निखार के लिया है। अब इसके अंदर हम चम्मच मार देंगे, और 1/2 नींबू का रस आपको बताया था ये डाल देंगे इसके अंदर, क्योंकि नींबू का रस डालेंगे तो चावल अच्छे खुले खुले बनते हैं। अब इसको उबाल आने तक हम 80% कुक करेंगे चावल को। अब इसको ढककर पकने देंगे हम अच्छे से। अब हमारा चावल हम चेक करेंगे, माशाल्लाह देखो 80% तक कुक हो गया है। अब हम इसको निथार कर दिखा, अभी हमने चावल को निथार के लेकर आए हैं, एकदम माशाल्लाह देखो खुले खुले बने हैं चावल,
देखो कितने अच्छे। अब हमारे चिकन को 20 मिनट हो गया है मैरिनेट होके, अब हम इसको फ्राई करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसको स्लो फ्लेम पर तलेंगे। अब इसको हमने 5 मिनट अच्छे से नीचे से फ्राई हो गया है, अब इसको पलटी कर देंगे और 5 मिनट हम अच्छे से फ्राई करके लेंगे। देखो माशाल्लाह कितने अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको हम सारे को निकालेंगे। इसको तलने के लिए हमको 10 मिनट, सारा चिकन इस तरीके से ही हम फ्राई करके लेंगे। अब सारा चिकन हमने फ्राई करके निकाल दिया, अब मसाले में डालेंगे। आपको दिखा, हमने एक कटोरी भरकर तेल लिया है, क्योंकि बिरयानी है तो बिरयानी में थोड़ी तेल ज्यादा ही रहेगा तो अच्छी लगेगी बिरयानी। अब हम इसमें 2 तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 2 चक्री फूल और 1 जावित्री का टुकड़ा और दालचीनी का 1 बड़ा टुकड़ा, और हमने उसके अंदर 2 इलायची लिया है, 2 लौंग लिया है और 2 काली मिरी लिया है, ये मसाला इसमें जाएगा। और मसाले को अब अच्छे से मसाला रख गया है। अब ये जो कांदा आपको दिखाए थे, ये हम आधा किलो कांदा है ये डाल देंगे इसके अंदर। ये फ्राई किया हुआ है, इसमें डालकर इसको 2 मिनट हम फ्राई करेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो रहा है, हमने 5 टमाटर आपको दिखाए थे ये डाल देंगे इसके अंदर और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर कांदे का बिरिस्ता आपके पास बना रहेगा तो ये आधे घंटे में बिरयानी एकदम झटपट बन जाती है। अब ये इसको मेल्ट कर लेंगे अच्छे से टमाटर को। अब इसमें स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब टमाटर अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब इसमें हम ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ये डाल देंगे। ये जो मिर्ची का पेस्ट आपको दिखाया ये भी डाल देंगे इसके अंदर और इस कच्ची स्मेल जाने तक अच्छे से इसको भून कर लेंगे हम स्लो फ्लेम पर। अब अच्छे से 5 मिनट मसाला भून लिए है हमने स्लो फ्लेम पर। अब हम ये जो धनिया पाउडर है ये डाल देंगे, जीरा पाउडर है वो भी डाल देंगे और ये गरम मसाला है जो आपको बोले थे वो भी डाल देंगे, मिर्ची पाउडर भी डाल देंगे, ये जो हल्दी पाउडर है ये भी डाल देंगे और इसको अच्छे से हम भून कर लेंगे मसाला। मैगी क्यूब की जो पाउडर आपको बोले थे ये भी डाल देंगे इसके अंदर। पाउडर मसाले हमने 5 मिनट भून लिए, अब ये जो दही है ये डाल देंगे इसके अंदर और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छे से फूल रहा है, हमने दही को भी 5 मिनट भून लिया है। अब ये 1 नींबू का रस है ये इसमें डाल देंगे। इसको ढककर हम स्लो फ्लेम पर 10 मिनट पकाएंगे। अब इसको 10 मिनट हो गया है मसाले को, इसको अच्छे से हमने फोल दिया, हमने चिकन अच्छे से फ्राई किया है टिक्का बोटी, अब ये इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसको ढककर 10 मिनट पकाएंगे। अब 10 मिनट हो गया है, हमारा मसाला बनकर रेडी है। अब इसमें हम थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा कोथमीर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह खुशबू पूरे घर में हो गई है, बहुत ही खुशबू आ रही है घर के अंदर। इस तरीके का चिकन टिक्का बिरयानी बना था, मुझे जरूर कमेंट में बताना कैसा लगा आपको। अब हम इसको कोयले का भाप देंगे, हमने एक छोटी कटोरी रख दिया है, ये चिकन टिक्का बिरयानी है तो इसको जरा कोयले का भाप देंगे मसाले को तो टेस्ट आएगा मसाला। इसके अंदर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसमें स्मोकी फ्लेवर, अच्छे से स्मोकी फ्लेवर चिकन में आ गया है, मसाले में आ गया है। अभी इसको हम खोल देंगे, हम बिरयानी को थर लगाएंगे। अब हमने जो टोप में हमने उबाला था चावल वो ही टोप लिया है हमने और इसके अंदर अब हम ये चावल आधे डाल देंगे। अब आधे चावल को हमने डाल दिया इसके अंदर, अब इसके अंदर थोड़ा सा हम बिरिस्ता डाल देंगे, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ी सी कोथमीर डाल देंगे और इसको अच्छे से हम ऊपर नीचे करके, तो उसमें पुदीना कोथमीर, अब अच्छे से हमने इसमें चावल डाल दिया है। अब ये जो मसाला है ये भी डाल देंगे इसके अंदर अच्छे से। अब माशाल्लाह अच्छे से मैंने फैला दिया है मसाला, सब अच्छे से स्प्रेड किया है देखो। और अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा पुदीना और थोड़ी सी कोथमीर, अब हम इसके ऊपर ये जो बचे हुए चावल है वो भी डाल देंगे अच्छे से और इसको भी अच्छी तरीके से फैला। अच्छे से हमने चावल को स्प्रेड कर दिया। अब ये जो कलर है फूड कलर है, हमने पानी में डालकर इसको कला कर लिया है, ये रेड फूड कलर है और ये ऑरेंज फूड कलर है माशाल्लाह। इसके अंदर जब हम ये डालेंगे तो कलर बहुत अच्छा लगेगा बिरयानी का। अब इसके अंदर हम ये बिरिस्ता डाल देंगे, ये पुदीना भी डाल देंगे, सब जगह पे अच्छे से स्प्रेड करेंगे और ये जो कोथमीर है ये भी डाल देंगे इसके अंदर।
अब इसको ढककर हम 10 मिनट पकाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि उब आई कि नहीं। देखो अच्छे से उब आ गई है, अच्छे से ये खुले खुले चावल बने हैं। देखो ने अच्छे से खुले खुले चावल बने हैं। अब हम डिश आउट, चिकन टिक्का बिरयानी बनकर रेडी है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ ताकि रोज की नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।